हम बस्ती से एक लड़की अपनी माता दे नाल जा रही सी, उदे साइड में पर्स लटके हुआ सी। दो नौजवान पीछे तो आए हैं मोटरसाइकिल ते, तो उन्होंने उदा पर्स खोलिया और जे लिफाफे लेके फरार हो गए हैं, जिसके बीच दो मोबाइल थे, 3000 रुपये नकद सी, बैंक की कापियां सी, आधार कार्ड थे। इस सारे मामले की सूचना सिटी पुलिस समान दी गई है। पुलिस इस मामले के सीसीटीवी खंगालेगी और पुलिस कह रही कि जल्दी ही जे कथित जिन्होंने ये वारदात की है जल्द काबू किए जाएंगे। पूजा असी ना राम बस्ती के नेड़े जाते पे ही, असी ओली साइड दो मुंडे आए ना, मैं इधरली साइड बैग फड़िया होया, मैं मम्मी कह रही सी मम्मी कुड़ी तुसी फड़ लो, ते मम्मी ने कुड़ी फड़ी है, ते मैं जानी पई हाँ इधर हथ जे दोनों लिफाफे खो के लै गए ने, विच कपड़े सी, पैसे सी, ते दो फोन सी, बैंक दियां कापियां सी, आधार कार्ड भी सी, सारा कुछ सी विच, 3000 सी। मोबाइल ये वड्डा सी, एक 10000 वाला सी, ते एक छोटा फोन सी। हाँ जी करती असि नवी सरांबत्ती असि घर नूं जा रहे सी समान लैके, 3000 रुपया सी विच, 3 कापियां ने बैंक दियां, 2 मोबाइल ने विच। मुड़े आए ने 2 मोटरसाइकिल ते, ते गुड़िया को चुक के लिफाफे खो के भज गए। वारदातां जिहड़ियां हुण बहुत ज्यादा आम हो रही ने, जिहड़े स्नैचिंग वाले ने, कुछ लुटा खोह वाले ने, क्योंकि इन्हां दा जिहड़ा हैगा मूँह ढके हुए होने करके आम जिहड़ी पब्लिक बहुत तंग है। इस दे लई पूरी नकेल पानी चाहिंदी इन्हां नूं, जो भी हैगा प्रशासन नूं इन्हां नाल सख्ती नाल पेश आन, उस बदमाशां नूं पकड़ के जिहड़े भी हैं उन्हां ते पूरा एक्शन लिता जावे, ते तां ही लोगों दे विच रोह बनूगा, क्योंकि इस टाइम जिहड़ा हैगा इन्हां ने बहुत लोगों की वारदातां करके और लोगों का वैसे भी नुकसान हो रहा है और खिच धू दे अंदर चोट पेट भी लग रही है। हाँ, लोगों के विच बहुत दहशत है, इस चीज़ तो लोग घबराहट मन रहे हैं। एक हूँ ही कंप्लेट आई है सतनामपुर पत्नी जगतार सिंह सरांपत्ती समाणा की है। ये अज करीब 12:30 बजे मेयर और राम बस्ती के घर जा रही थी, तो दो अणपछाते व्यक्ति जो कि मोटरसाइकिल से सवार सन, जिन्हें उसके हाथ चो फड़िया बैग खो करिया, बैग करीब 3000 रुपये के 2 मोबाइल सेट सन। सीसीटी असी जाके सीसीटी कैमरे फुटेज देख रहे हैं, जो जो फुटेज जो भी शख्स सामने उन्होंने उन्हें पछाण करके उन्होंने काबू करके अगली कार्रवाई अमल च लिया जाए। कैमरामैन बीके गर्ग के नाल पुरशोत्तम कौशिक समाणा न्यूज़।